सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं जिसके बारे में ना तो कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, तो एक दरगाह है और इस दरगाह को शेख मूसा की दरगाह भी कहते हैं। तो गाइस, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो यार ये काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बना रखी है यहाँ पर। तो गाइस देखो, सामने एक कबर भी बनी हुई है। जरा जूम करना इस पर। तो गाइस, इस दरगाह की ख़ास बात ये है कि इस दरगाह के ऊपर दो मीनारें बनी हुई है जो कि एक दूसरे से अटैच है। अगर हम एक मीनार को हाथ से हिलाए तो दूसरी मीनार अपने आप ही वाइब्रेट करती है। तो गाइस, मैंने भी बस सुना ही है, बाकी आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं इस झूलती मीनार का राज। तो यहाँ पर देखो यार, छोटे छोटे से कक्ष बनाए गए बिल्कुल, और पीछे की तरफ एक मस्जिद भी है जहाँ लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये है दरगाह का बैक साइड और यहीं से ऊपर जाएंगे हम। तो यहाँ एक गेट भी लगा हुआ है, खोलते हैं इसको और चलते हैं ऊपर। यार सीढ़ियाँ भी घुमावदार बनी पड़ी यहाँ पे। तो यार ऊपर तो पहुंच गए हम। तो यही वो मीनार जिनकी मैं वीडियो में बात कर रहा था। तो देखो गाइस, ये दो मीनार है जो एक दूसरे से अटैच है। अगर एक मीनार को हिलाते तो दूसरे मीनार अपने आप ही वाइब्रेट करती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, पहले अंदर से देख लेते हैं इसको एक बार। इसकी तो यार सीढ़ियाँ भी बहुत पतली पतली बनी हुई है। बाकी यार ऊपर का व्यू देखते हैं कैसे दिखता है। सामने यार वो अरावली पहाड़ है, इस पर कुछ किले भी बने हुए हैं। कर ली भाई, कर ली। और ये अपने मेवात का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो गाइस, ये मैंने अपना दोस्त भेजा है मीनार पर। मैं यहाँ नीचे से दिखाऊंगा कैसे ये हल्के से हिलाते ही पूरी वाइब्रेट करती है। हिला, तेज हिला, थोड़ा तेज हिला। तो यार गौर से देखना है, आपको हल्की हल्की सी हलती नजर आएगी। देखो यार, देखो हिली वो। तो दोस्तों, देख लिया होगा आपने किस तरह ये मीनार थोड़ा हिलाते ही वाइब्रेट करती है, जैसे कोई वजन ही ना हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।